हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी सी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप चावल 2 घंटे तक भिगो लिया था। अब उसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। पानी नहीं लेना है। अब हम इसे ढक्कन लगा करके पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 बारीक कटा हुआ गाजर, 1/2 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और थोड़े से धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से हरे वाले मटर। अब इसमें हम लेंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला और नमक अपने स्वाद अनुसार। अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम लेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा। इन दोनों को अच्छे से तड़का के नाश्ते में हम मिला देंगे। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है खाने में, ये बहुत टेस्टी लगता है। तड़का नाश्ते को 2 गुना टेस्टी बना देता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा गाढ़ा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें घोल रखना है, ना एकदम मोटा ना एकदम पतला। अब हम पैन लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब जो हमने बैटर बना के रखा है उसे हम बड़ी चम्मच से इस पर डाल देंगे और उन्हें हम थोड़ा सा फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम नाश्ते को ढक करके 2 से 3 मिनट पकने देंगे। उसके बाद इसका ढक्कन हटा करके ऊपर से ऑयल लगा देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। अब इसे हम प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी हल्का हल्का सेकेंगे। अब हम ढक्कन लगा देंगे इसका, इसे 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। ये देखिए अब मैंने ढक्कन हटा दिया है, ये नाश्ता दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। इसी तरीके से अलटते पलटते हुए थोड़ा हम सेक लेंगे और इसे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बचे हुए बाकी नाश्ते को भी हम बना लेंगे। ये एकदम टेस्टी नाश्ता है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से सेलो फ्राई कर सकते हैं या फिर 1 चम्मच तेल में भी सेक सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।